दाव पे सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द है उस शख्स के जिसकी शख्सियत का अंदाजा हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, शब्द कम पड़ जाएंगे। आप इन्हें कवि कहो, राजनीतिज्ञ कहो, संघ प्रचारक कहो, आप इन्हें कोई भी रोल दे दो, ये हर रोल में फिट बैठे। ये एक ऐसी 3D पर्सनालिटी थे जिनके व्यक्तित्व का बयान एक एक जीवन में करना बहुत मुश्किल है। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अभी अभी एक दुखद समाचार आई है कि अब ये हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन दोस्तों इस उपलक्ष्य में एक शब्द मुझे भगत सिंह जी की याद आ रही है कि इंसान भले इस दुनिया को छोड़ देता है मगर उसके शब्द, उसके कर्म, उसके विचार इस दुनिया को कभी नहीं छोड़ते। एक इंसान इस दुनिया से चले जाने के बाद भी अपने कर्मों से, अपने शब्दों से जाना जाता है। और जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी भले आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके काम, उनके शब्द ये हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे और आगे बढ़ने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। ये मेरा एक छोटा सा ट्रिब्यूट है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। आज हम उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे और जानेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कहाँ से की, कहाँ तक को गए, और उन्होंने अपनी जिंदगी में जो सारी चीजें हासिल की, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी सारी चीजें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों ये भारतीय राजनीति के बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि, एक संघ प्रचारक, एक आदर्शवादी व्यक्ति, चाहे आप इन्हें कुछ भी कह लो, ये पिछले 5 दशकों से सक्रिय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई और 10 बार ये विभिन्न राज्यों के लोकसभा से चुनाव जीतते हुए सांसद बने थे, जो कि अपने में एक रिकॉर्ड है। इनके प्रतिद्वंदी भी इनकी प्रतिभा के कायल थे, क्योंकि ये निर्णय लेने में तनिक भी नहीं हिचकते थे, और ये निर्णय लेने में जितने कठोर थे, दिल से उतने ही नरम दिल स्वभाव के व्यक्ति थे, जिसके कारण इन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता था। पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था, जो कि एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। इनकी माता और पिता दोनों का नाम कृष्णा था। इनकी माता का नाम कृष्णा देवी था और इनके पिता का नाम कृष्णा बिहारी वाजपेयी था। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी को उनके करियर में कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, डी-लिट, लोकमान्य तिलक पुरस्कार, लिबरेशन वॉर अवार्ड, श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, और भी दोस्तों बहुत से होंगे। लिस्ट कम, मेरे पास पन्ने कम पड़ जाएंगे, लेकिन वो अवार्ड कम नहीं। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोरखी विद्यालय से प्राप्त की। उसके बाद आगे की पढ़ाई इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत विषय से बीए की शिक्षा प्राप्त की, और फिर पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कानपुर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, और परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर किए, जिसके चलते उनको फर्स्ट क्लास की डिग्री से सम्मानित किया गया। इनकी राजनीतिक गुरु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माना जाता है, क्योंकि इन्हें राजनीतिक का पाठ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्राप्त हुआ, और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक निर्देशन में ये आगे बढ़ते रहे, और इस दौरान इन्होंने पांचजन्य, दैनिक स्वदेश, वीर अर्जुन और राष्ट्रधर्म जैसी पत्रिकाओं के संपादन के कार्य में भी खूबी रूप से पार्टिसिपेट किया, और महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित महान कृति विजय पताका को पढ़कर अटल बिहारी वाजपेयी के पूरे जीवन की दिशा ही बदल गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, और इन्हें 23 दिन तक जेल में जाना पड़ा था। तो दोस्तों ये था इनका प्रारंभिक सफर। अब हम प्रकाश डालते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन पे। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत आजादी की लड़ाई के दौरान ही शुरू हो गई थी, और फिर
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में अपनी पत्रकारिता को छोड़कर सन 1951 में ये भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए और फिर सन 1955 में पहली बार इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने हिम्मत नहीं हारी। और दोस्तों, इसी दौरान इनकी लाइन एक बड़ी मशहूर लाइन थी जो कि मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसके बाद इन्होंने सन 1957 में पहली बार लोकसभा चुनाव बलरामपुर से जीता, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोंडा के पास। वाजपेयी जी लोकसभा में साल 1957 से लेकर साल 2009 तक कुल 10 बार तक सांसद रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से लेकर 1969 तक विदेश मंत्री बने और इस दौरान विदेशों में इन्होंने भारत की एक अलग ही पहचान बनाई। लेकिन फिर दोस्तों, जनता पार्टी की स्थापना के बाद सन 1980 में ये जनता पार्टी के विचारों से असंतुष्ट हुए और इन्होंने खुद की एक पार्टी बनाई जिसे इन्होंने नाम दिया भारतीय जनता पार्टी का। और 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद सौंप दिया गया। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी 6 मई 1996 को देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पहली शपथ ली, लेकिन दुर्भाग्यवश 13 दिन तक ही ये प्रधानमंत्री। इसके बाद 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सरकार भी मात्र 13 महीने ही चल सकी। इसके बाद 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और ये पूरे 5 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और मजे की बात यह है दोस्तों कि अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था, और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहले प्रधानमंत्री बने जिनको 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनाया गया था। वाजपेयी जी दोस्तों एक ऐसे सांसद थे जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात, 4 अलग-अलग राज्यों से सांसद बने। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, पोखरण टेस्ट, उसे कोई नहीं भूल सकता। इनके कुशल नेतृत्व के दम पर संयुक्त राष्ट्र के शर्तों को पूरा करते हुए 11 मई से 13 मई को संपूर्ण विश्व को चौंकाते हुए भारत के शर्तानुसार जल, थल और आकाश में परीक्षण न करते हुए 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया और इस तरह से भारत को विश्व शक्ति के मानचित्र पर परमाणु संपन्न राष्ट्र बना दिया। और दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी पोखरण, अगर आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कार्य अटल बिहारी वाजपेयी ने कितना बोल्डली किया था, क्योंकि इस दौरान अमेरिका हमारे देश पर नजर रखा हुआ था, कितना मुश्किल था हमारे लिए उस टेस्ट को करना। लेकिन जैसा कि हम लोग शुरू से जानते थे, अटल बिहारी वाजपेयी डिसीजन लेने में कभी नहीं चूकते थे, इसीलिए ये एक अच्छे लीडर बने। उसके बाद दोस्तों, ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल की। 19 फरवरी 1999 को सदागे सरगद नाम से नई दिल्ली और लाहौर के बीच इन्होंने बस सेवा शुरू की और इन्होंने इस तरह पाकिस्तान के साथ नए संबंधों की शुरुआत की। लेकिन एज यूजुअल, बदले में पाकिस्तान ने हमें कारगिल का युद्ध दिया कुछ महीनों के पश्चात। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी आपका सदा सरगद नामक बस में, ये नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद दोस्तों, कारगिल युद्ध, इसके बारे में तो आप हर कोई जानता होगा कि सन 1999 में पाक सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने धोखे से पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी उग्रवादियों की मदद से भारत के जम्मू एंड कश्मीर नियंत्रण रेखा को पार करते हुए हमला बोल दिया। उनका मुख्य उद्देश्य था भारत की जमीन पर कब्जा करना,
लेकिन भारतीय फौज की अदम्य साहस के बल पर अटल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय शर्तों को ध्यान में रखते हुए बिना नियंत्रण रेखा पार करते हुए पाकिस्तानी सेना को कश्मीर के इलाके में खदेड़ दिया, जिसे कारगिल के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से विश्व बिरादरी में भारत पाक के मध्य एक बार फिर से तनाव बढ़ गए। और इसी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने दो शब्द कहे थे कि दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। और दोस्तों, कुछ लाइन मैं आप लोगों के सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी की पेश करने जा रहा हूं, जो ये दर्शाती है कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश से कितना प्यार करते थे। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिम घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है, यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में एक कवि के रूप में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी डिसीजन लेने में कभी नहीं चूकते थे, ये बड़े नम्र दिल के थे और एक कवि के रूप में सभी पक्ष विपक्ष नेता उनके गुण के कायल थे। अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि अमर बलिदान, संसद में तीन दशक, मृत्यु या हत्या, राजनीति की रपटीली राहें, सेकुलरवाद, और भी दोस्तों कई कविताएं इन्होंने लिखी जो कि ये दर्शाती है कि कितने मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे। भारत देश की सेवा में अद्भुत योगदान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में उनके जन्मदिन 25 दिसंबर के इस शुभ अवसर पर भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न का सम्मान देने के लिए खुद हमारे देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनके घर गए थे और इस तरह पहली बार किसी राष्ट्रपति ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर किसी के घर पर जाकर उन्हें सम्मानित किया था भारत रत्न से। दोस्तों, इस वीडियो के एंड होने से पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी खूबसूरत लाइन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छुपे से ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। भले दोस्तों आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द, उनके कर्म, उनके बलिदान ये हमेशा याद रखे जाएंगे और ये हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो चलता हूं दोस्तों, शुक्रिया, अलविदा, जय हिंद।